हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके बताएं कैसे हैं आप लोग। आज हम क्या देखने वाले, इंडियन इलेक्शन रिपोर्टिंग था गाइस। बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी इंडियन इलेक्शन रिपोर्टिंग देखो, हमने कहा क्यों नहीं देखते इलेक्शन में रिपोर्टिंग कैसी होती है उधर, और किस किस के सपोर्टर हमें देखने को मिलते हैं, और क्या थग लाइफ होती है, देखने में मजा आएगा। और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाके वीडियो उधर भी देख लेना, उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ मैं भी कर देना, देखते हैं बहुत इंटरेस्टिंग होगी वीडियो। हियर वी गो। तो आप लोग के पास तो डिस्क्लेमर पढ़ने का टाइम होगा नहीं, तो मैं ही बोल देता हूँ कि इस वीडियो का मकसद किसी को भी ठेस पहुँचाने का बिल्कुल भी नहीं है। खैर, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब अपने हिसाब से देख लीजिएगा। सबसे पहला सवाल मोहित शर्मा आपसे है, अगर मोदी जी नहीं होते तो देश का क्या होता? मोदी जी नहीं होते तो आप भी नहीं होते है ना, आप भी मोदी जी से ही हैं क्या? मोदी का सपोर्टर हमें नहीं चाहिए। और भैया मोदी जी की आप दाढ़ी की बात कह लो या फिर मेरे इस भाई के बाल की बात कह लो, दोनों एक समान है। आप देख रहे हैं मोदी जी की दाढ़ी भी ऐसी है और इसके बाल भी ऐसे हैं। जैसे पहले चला करते थे। आप कहाँ से पढ़ के आए हैं, पहले आपकी पढ़ाई पूछू। मैं नहीं बताऊंगा। आप बताइए, आप मोदी जी के विद्यालय से पढ़ के आए हैं क्या? सॉरी, आप तो प्रधानमंत्री मोदी से। अरे प्रधानमंत्री मोदी जी तो पढ़े ही नहीं है। वाह मोदी जी, वाह वाह। बताइए आप मुझे कैसी बात कर रहे हैं आप मोदी जी को लेकर। मोदी जी अच्छे वो ना पढ़ के भी फिर भी प्राइम मिनिस्टर। मोदी जी के विद्यालय का ही नहीं पता तो ये कैसे पता चलेगा कि विद्यालय अच्छा था या बुरा? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मोदी जी इतने टैलेंटेड बच्चे थे कि उनसे टीचर कहता होगा कि बेटा सबको पढ़ा लूं, तुझे अलग से पढ़ाऊंगा, तू मुझे ही पढ़ा देगा वरना। अरे मोदी जी से लाइव डिबेट कराइए, मोदी जी को ये नहीं बता होगा कि फोन किसने बनाया, पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली, ट्रेन को किसने बनाया बताए मोदी जी को। आप तो मोदी जी के भक्त हैं, आप ही बता दो किसने बनाई। आप लोग कमेंट करिए बताइए सही कौन सा की बात करें ना, जशोदा बहन की बात कर रहे हैं। जशोदा बहन को छोड़ा भी है तो देश के लिए छोड़ा है ना, देश के लिए छोड़ा है ना। तो अपने पापा से कह दो कि आप वो भी आपकी मम्मी को छोड़ देंगे देश के हित में। वेल डन, गजब बेइज्जती। अब देश की जनता को समझना होगा और इन लोगों की बात को समझना होगा। और मोदी जी का तो ऐसा है, आग लगे बस्ती में, मोदी जी अपनी मस्ती में। अरे आग लगे चाहे बस्ती में, बाबा रहता मस्ती में। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। गजब बेइज्जती है। इस देश के अंदर लॉकडाउन आप पेशेंस कीजिए, लेकिन साथ साथ आप ये काम भी करिए, 3 महीने का इस देश की गरीब जनता का बिजली और पानी का बिल माफ करिए, 3 महीने का उनके घर में राशन भरवाइए, 3 महीने का आप उनकी सारी बैंक की किस्तें, उनकी लोन वो दूर करवाइए। यही नहीं, अभी और सुनिए, हम कोई पागल नहीं है, हमें मरने का शौक नहीं है। जो सड़क पे इस देश का माइग्रेंट, इस देश का लेबर सड़क पे निकलेगा, आप दीजिए उसे 3 महीने का रहने के लिए पैसा, दीजिए उसे घर, दीजिए उसे घर का किराया दीजिए। 500 रुपए आप 500 रुपए 500 रुपए मैं आपको देता हूँ और कल से आप पत्रकारिता छोड़िए। पहली बार देखा तो मोदी जी के खिलाफ बोल रहा है ना। रुके, 500 रुपए मैं आपको दे दूँ। 500 रुपए चाहिए ना आपको? लेबर की बात कर रहे हैं ना आप भी तो लेबर नहीं है, आप सरकार की लेबर है, आपको भी 500 चाहिए। सर आपने ये कहा कि आप मेरी बात जाहिर जी माइक क्लोज करिए, 500 देश की जनता को प्रधानमंत्री दे रहे हैं, मैं इनको 1000 दे रहा हूँ, माइक बंद करिए। अरे बंद करिए ना, क्या सुनिए म्यूजिक। यार ये क्या वीडियो थी यार,
मैं तो समझा था कि आएंगे इलेक्शन रिपोर्टिंग डिफरेंट लोग आएंगे, ये एक ही था मतलब कि मोदी जी के खिलाफ ही था यार ये। और आप लोग कमेंट करके बताएं आप लोग खिलाफ हैं कि नहीं मोदी जी के, नहीं मुझे कम ही दिखते हैं कि मोदी जी के खिलाफ कोई होंगे, और ये मतलब कि मोदी जी के खिलाफ था, लेकिन रीजन बताना चाहिए था ना मोदी जी के खिलाफ क्यों है ये। तो आप लोग कमेंट करके बताना, और अच्छी वीडियो थी उसका अपना ओपिनियन है कि मतलब वो खिलाफ क्यों है, सबके अपने अपने होते हैं कि मैं इसको सपोर्टर हूँ मैं इसका सपोर्टर हूँ, लेकिन रीजन पता होना चाहिए। आप लोग भी कमेंट करके बताना आप किसके सपोर्टर है और रीजन बताएं उसका, क्यों क्यों आप मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, देखते हैं क्यों मोदी जी को सपोर्ट किया जाता है। तो हाँ तो कमेंट करके बताना, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।